हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। चित्तौड़गढ़ ज़िले के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का उपनाम क्या है? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चीतल चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। सर्वाधिक स्टील ग्रेड के चूने का उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ में होता है। सर्वाधिक हीरे के भंडार, सर्वाधिक अलसी चित्तौड़गढ़ में बोई जाती है। सर्वाधिक अफीम और सर्वाधिक आम भी चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। राणा सागर बांध, जो कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा बांध है, चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। एकमात्र संत रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित है। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है। राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ का किला भी चित्तौड़गढ़ में है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहलाने वाला विजय स्तंभ कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। राज्य का प्रथम व देश का द्वितीय परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एक ही आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मातृगुंडिया स्थान से, जो कि चित्तौड़गढ़ में ही है। चित्तौड़गढ़ के किले के उपनाम है चित्रकूट किला, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। इसका जो निर्माण है वो चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया। यह किला गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। इस दुर्ग को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। इस किले के लिए अबुल फजल ने कहा है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ जौहर, केसरिया, साका ये तीनों हुए हैं। इसके सात प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग में राणा कुंभा महल, कुंभश्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, रानी पद्मिनी का महल भी स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह 9 मंजिला इमारत है जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। यह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्री थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद महेश भट्ट ने, उनके जो पुत्र थे महेश भट्ट, उन्होंने इसको पूरा किया था। तो ये प्रशस्तिकार इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। विजय स्तंभ के जो प्रशस्तिकार थे वो कवि अत्री थे, लेकिन महेश भट्ट ने पूरा किया था। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगला है जय स्तंभ। यह स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इस स्तंभ का अन्य नाम जैन कीर्ति स्तंभ है। कुंभश्याम मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। यह एंग्लो आर्यन कला का अद्भुत नमूना है। चित्तौड़गढ़ की मंडपिया गांव में श्री सांवलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे सेठों के सेठ माना जाता है। भैंसरोड़गढ़, यहाँ पर भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य है, ये गढ़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में धोंक के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इसी स्थान पर चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात भी स्थित है। नगरी सभ्यता, चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी पर नगरी सभ्यता विकसित हुई। इसका प्राचीन नाम क्या था नगरी का? माध्यमिका नगरी। इस स्थान पर गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अकोला, चित्तौड़गढ़ के अकोला नामक स्थान पर प्राकृतिक व खनिज रंगों का उपयोग दाबू छपाई में किया जाता है, अकोला प्रिंट, ठीक है। अकोला में रंगाई छपाई का कार्य होता है। यहाँ छपी हुई वस्तुएं अपनी कलात्मक रचना के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर लकड़ी के खिलौनों का निर्माण होता है, जो देश भर में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी नामक स्थान पर बस्सी अभयारण्य है, जो कि चीतलों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में ही केसरपुरा नामक हीरे की खान है। चित्तौड़गढ़ के कपासन नामक स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित राजस्थान का द्वितीय स्मेल्टर प्लांट निर्माण प्रगति पर है। मोकल का मंदिर, इस मंदिर को समिद्वेश्वर महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण परमार राजा भोज द्वारा व जीर्णोद्धार महाराणा मोकल ने करवाया था, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर नागर शैली का प्रमुख मंदिर है, मोकल का मंदिर। तो ये हमने चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस किए थे।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।